हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स HYD। आज हमारे पास एक फ़ोन है जो शाओमी का फ़ोन है, Y1 Lite 1 के मॉडल आता है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आया है, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ ऑन करके फ़ोन में। जैसे कि ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे आ रहा है सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है। इसका ऑलरेडी MMC का वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है, बट फिर भी ये हैंग ऑन सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड पे ही प्रॉब्लम आया है। तो इसको हम एक बार USB से फ्लैशिंग करेंगे और इसको USB से फ्लैशिंग करने के बाद ये जो एरर आ रहा है एक बार यहाँ पे हम इसको लाइव क्लियर करके दिखाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी फ्लैश फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी फ्लैश फाइल को डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं UGG लाइट ग्लोबल इमेज, यहाँ पे डेस्कटॉप पे फ्लैश ऑलरेडी करके रखा हुआ है मैं एक्सट्रैक्ट करके। तो सिंपली मैं इसको UMT में फ्लैश करूँगा। सबसे पहले हम अल्टीमेट UMT QC फायर का टूल ओपन कर लेंगे। और फोन को EDL मोड में कनेक्ट करके हम उसको फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे टूल ओपन हो गया है और यहाँ पे प्रोग्राम पैच को टिक लगाएंगे। उसके बाद रो प्रोग्राम को यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसकी फाइल को सिलेक्ट कर देंगे। UGG लाइट है इमेज और रो प्रोग्राम 0। तो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद पैच 0 को भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे फोन को EDL मोड में कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से केबल निकाल लेंगे। इसका ये टेस्ट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, पोर्ट बना लिया, फ्लैशिंग हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेट करेंगे, एक 5 मिनट्स का टाइम लगता है, उतना टाइम तक इसको वेट करेंगे फ्लैशिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते 16 GB स्टोरेज बता रहा है, मतलब MMC ओके है और यहाँ पे फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर फ्लैशिंग के साथ साथ रिसेट FRP आफ्टर फ्लैश, इसमें अगर FRP का लॉक भी होगा तो ये फ्लैशिंग के अंदर इसका FRP लॉक भी निकल जाएगा। प्लस इसके अंदर IMEI प्रोटेक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्ट IMEI कैलिब्रेशन डाटा, इसके अंदर फ्लैशिंग में आपका IMEI नंबर नहीं जाता है, तो ये आपका प्रोटेक्शन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि सिस्टम फाइल स्टार्ट हो गई है, राइट, ये सबसे बड़ी फाइल होती है, इसको टाइम लगता है, इसके लिए कम से कम 3-4 मिनट इसी में चले जाएंगे। तो इतना वेट करेंगे आप थोड़ा सा।
कंप्लीट हो गई है। एक बार यहाँ पे फ़ोन को रिकनेक्ट करके एक बार चेक करेंगे हमारा फ़ोन सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग का लोगो, एक बार चार्जिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे MI का लोगो आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइपिंग हो रहा है, फ्लैशिंग होने के बाद यहाँ पे ये वाइपिंग हो रहा है, उसके बाद ये रिबूट हो गया। और यहाँ पे जब ही फ्लैशिंग करने से पहले सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ रहा था। अब देखेंगे यहाँ पे MI लोगो आ गया और सेकेंड लोगो अगर आ जाता है तो ये हमारा फ़ोन ऑन, कम्प्लीटली ऑन हो गया। तो ये जैसे कि सेकेंड लोगो आ गया और सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड का एरर यहाँ पे ये निकल गया है, क्योंकि इसके अंदर का जो एक पार्टीशन होता है सॉफ्टवेयर का वो करप्ट हो गया था, उसकी वजह से सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आया था। इसके अंदर EMMC का हेल्थ का प्रॉब्लम था, जिसके अंदर EMMC हेल्थ प्रोग्रामिंग किया हुआ है, बट उसका जो डम था उसके अंदर करप्ट प्रॉब्लम था, और वही डम इसमें डालने के बाद इसके अंदर सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड का प्रॉब्लम आया, उसके बाद ही हमें इसको फ्लैश करके ऑन करना पड़ा। तो देखेंगे यहाँ पे पूरा ऑन होता है या नहीं होता है, वेट करेंगे थोड़ा सा। ये हमारा Xiaomi का Y1 लाइट बोल के मॉडल आता है, UGG लाइट इसका सॉफ्टवेयर कोड होता है। फ्लैशिंग करने के बाद इसमें फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स का टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे फोन पूरी तरीके से ऑन हो गया, MIUI 11 आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हमारा फोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा कि यहाँ पे सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड फ्लैश करने से कैसे निकला है, क्योंकि पहले इसका जो प्रॉब्लम था हेल्थ का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मुझे पता था कि इसका प्रॉब्लम क्या है, तो वो बनाने के बाद ही ये इसका प्रॉब्लम आया था, जिसके पार्टीशन करप्ट थे। अब यहाँ पे इसको हमने सिंपली USB से हमने इसको फ्लैशिंग किया है UMT के ज़रिए से, और इसका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।